हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है दीप्ति राजपूत किचन में। आज मैं लेकर आई हूं करवा चौथ स्पेशल कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे आप इसको परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, अपने इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसे कैसे बनाते हैं, चलिए चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस में। देखिए कितने अच्छे से पकौड़ा फूल गया है और अच्छे से ये ग्रेवी शो कर लेता है। अपने इस वीडियो में मैं पकौड़े को फूलने की ट्रिक भी शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपकी जो कढ़ी है वो एकदम से परफेक्ट बनेगी। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसी बेसन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही सॉल्ट ऐड करेंगे और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम पकौड़े का बैटर बना रहे हैं, तो इसका बैटर जो है हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं चाहिए, इतना थिक चाहिए कि जो पकौड़े हैं वो हमारे अच्छे से बन सके। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए इसको हमने इतना गाढ़ा रखा हुआ है, बेसन हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको 5 मिनट तक हम सेट करने के लिए रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसके पकौड़े तलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं त्योहार की कढ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है, वरना कुछ लोग इसमें इसके पकौड़ों में प्याज का भी यूज करते हैं। मैं यहाँ पर करवा चौथ की कढ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर प्याज लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ। पकौड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया हुआ है। आप जिस भी कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें उसमें आप बना सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बटर डालकर चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है। चलिए अब हम पकौड़े बनाते हैं। पकौड़ों को मैं इस तरीके से हाथ से इसको बना ले रही हूँ, धीरे से करके बनाने में हमारे हाथ में, इसलिए कि अगर आप कम ऑयल लेंगे तो जो पकौड़े आप बनाएंगे वो ऊपर से इस तरीके से फूलने लगेंगे, और अगर आप ज्यादा ऑयल लेंगे तो पकौड़े जो है वो हमारे पूरी तरीके से डूब जाएंगे, तो जो फ्लफी पकौड़े हैं वो नहीं बनेंगे। इसलिए हमें ऑयल जो है वो थोड़ा कम ही लेना है। और फ्लेम जो है वो आप मीडियम कर देंगे। पकौड़ों को हल्के हाथों से इस तरीके से हम घुमा देंगे। देखिए ये फूल का डबल हो गए हैं, ये अंदर से बहुत ही फ्लफी बने हुए हैं। इन पकौड़ों को हमें बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं सेकना है, क्योंकि कढ़ी के पकौड़े हमें गोल्डन ही चाहिए रहते हैं। पकौड़े जो है वो हमारे सिक गए हैं, देखिए इन्होंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं, देखिए मैंने इसको इस कलर तक सेका हुआ है। अब मैं इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने स्पॉन्जी हैं। देखिए मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ ये अंदर से कितना ज्यादा स्पॉन्जी बना हुआ है। देखिए अब जब इसको हम कढ़ी में डालेंगे तो ये अच्छे से जो ग्रेवी है वो अच्छे से सोक हो जाएगा और ये और भी साइज में बड़ा हो जाएगा और ये टेस्टी भी बनेगा। अब जो है हम कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए बैटर बना लेते हैं। तो उसका बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आधा कटोरी बेसन। पहले मैंने पकौड़ी बनाने के लिए एक कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया हुआ था और यहाँ पर बैटर बनाने के लिए मैं आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये आधा लीटर छाछ, ये आधा लीटर छाछ है और ये खट्टी वाली छाछ है। आप चाहे तो इस बैटर को बनाने के लिए दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे जो है वो कढ़ी थोड़ी खट्टी पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें छाछ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये छाछ जो है वो थोड़ी सी खट्टी है। छाछ को खट्टा कैसे करें, तो अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं छाछ तो उसका पैकेट आप एक दिन के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, तो वो अपने आप से ही खट्टा हो जाएगा और कढ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इस बैटर को बनाने के लिए दही में थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि टेस्ट जो है वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा। इस बेसन में मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा छाछ ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ज्यादा छाछ ना डालें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ेंगे और आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। इसका हमें घोल जो है वो थोड़ा पतला ही चाहिए, क्योंकि पकते पकते कढ़ी है वो गाढ़ी हो जाएगी और कढ़ी का जो टेस्ट है वो
कढ़ी को जब हम जितना ज्यादा कुक करते हैं कढ़ी का टेस्ट है वो उतना ही ज्यादा अच्छा आता है। और अब मैं इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर दूंगी। बैटर जो है वो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इस बैटर को बनाने के लिए मैंने आधा लीटर छाछ और आधा लीटर पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए अब कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़े तले हुए थे अब उसी कढ़ाई में हम कढ़ी भी बना ले रहे हैं। ऑयल जो है मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया हुआ है, ये 2 चम्मच के करीब ऑयल होगा। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हींग, साथ में ही डाल दे रही हूँ ये 3 लाल मिर्च, ये साबुत लाल मिर्च यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये 3 तेज पत्ते। और मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी। हल्दी को जो है पहले हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे। हल्दी को गीला करने से जो हल्दी है जब हम ऑयल में डालेंगे तो वो जलेगी भी नहीं, प्लस इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। हल्दी को जो है पानी में इस तरीके से घोल लेंगे, तो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैं यूपी स्टाइल कढ़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ जो कढ़ी बनती है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, बट जो इसका टेस्ट है वो खाने में बहुत ही अच्छा आता है। हल्दी जो है वो अच्छे से कुक हो गई है, देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब जो बैटर हमने बनाया हुआ था उसको अब हम धीरे से इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। अब इस कढ़ी को हमें लगातार चलाते हुए कुक कर लेना है। इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। इसको बॉईल आने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, तब तक आपको इसको लगातार से इसी तरीके से चलाते रहना है। अगर आप कढ़ी को बराबर से नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम या ज्यादा लग रही है तो आप इसको इस स्टेज पर भी सेट कर सकते हैं। इसको हमें एक बॉईल आने तक अभी पका लेना है। कढ़ी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक और पकने देंगे, जिससे कि कढ़ी जो है वो अच्छे से थिक हो जाए और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। कढ़ी में नमक तभी यूज करना है जब इसमें बॉईल आने लगेगा। अगर आप नमक पहले से ऐड कर देंगे तो जो छाछ है वो फट जाएगी और कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बॉईल होने के बाद मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक और पका लिया है। पकते हुए देखिए कढ़ाई कितनी इतना ज्यादा गाढ़ी हो गई है। कढ़ाई का जो बैटर है वो थोड़ा सा कम हो गया है और ये चारों तरफ से क्रीम जैसा लेयर हो रहा है। और अब इस स्टेज में जो हमने पकौड़े बनाए हुए थे अब उसको हम डाल देंगे। उसको हाथ में लेते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए उसको डाल देना है। करते हुए सारे पकौड़े हमने अच्छे से डाल दिए हैं और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक हमें और इसको पका लेना है। कढ़ी को पकौड़ों के साथ पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है और साइड से इसमें क्रीमी लेयर भी आ गई है। इसका मतलब है कढ़ी जो है वो हमारी अच्छे से कुक हो गई है। कढ़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। आप चाहे तो कढ़ी को ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसका टेस्ट जो है और भी ज्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें तड़के का इस्तेमाल कर रही हूँ। तड़का कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने तड़का पैन लिया हुआ है और यहाँ पर मैं 1.5 बड़े चम्मच ऑयल का यूज कर रही हूँ। तड़के के लिए भी मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ। ऑयल जब भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 पिंच हींग। कढ़ी में जो हींग का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर जीरा यूज कर रही हूँ। 1/4 चम्मच के करीब लाई है, उसको मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तड़के की लाई साबुत लाल मिर्च 5 से 6 तरीके, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तड़का हमारा रेडी है, चलिए कढ़ी पे हम डाल देते हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और इस पे मैंने एक अच्छा सा तड़का दिया हुआ है। तड़का पूरी तरीके से लगाना ऑप्शनल है, आपको अगर तड़का लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा आता है। और इस कढ़ी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है करवा चौथ स्टाइल में। आप इसको अपने त्योहार में बनाइए, ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, बस जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, स्पेशली राइस के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। उम्मीद है आपको मेरी ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप मेरे चैनल पर किस किस तरीके की कढ़ी देखना चाहते हैं, उस पर मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगी। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी मेरी तो फेवरेट रेसिपी है,
किस किस को कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पसंद है, किसको कढ़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।